सौरमंडल के बारे में पढ़ लिए है ना? यस सर। कि हमारा सौरमंडल में कौन कौन सा परिवार है ना? यस सर। कौन कौन सा परिवार है पढ़ लिए आप लोग? यस सर। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग एक गतिविधि करेंगे कि क्या सही में हम लोग जो पढ़े तो उसको हम सही ढंग से समझे कि नहीं। तो आप लोग को बताया गया था कि सौरमंडल का कुल जो ग्रह है 8 ग्रह है, सब अपने अक्ष पे जो है पृथ्वी का चक्कर लगा। सबसे नजदीक ग्रह कौन है, सबसे दूर ग्रह कौन है ना, इसको कौन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, कौन कितना दिन में परिक्रमा करता है ना, तब इसको हम लोग गतिविधि से करेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोग को आना है और ये देखिए सूर्य बना दिया गया है ऊपर, सूर्य है ना, और सूर्य बना दिया गया है, और सूर्य का जो ग्रह जो अपने अपने अक्ष पे घूमता है, अपने अपने पथ पर जो परिक्रमा करता है, सूरज का चक्कर लगाता है। इसमें आपको बारी बारी से बुलाएंगे और कौन ग्रह कहाँ है ना, उसको आपको चिपकाना है ना। शुरू करते हैं, जिनका नाम बताएंगे आइएगा, और हमें ग्रह का नाम जो लिखा हुआ है आपको देंगे, और कौन ग्रह कहाँ पर है, कौन स्थान पे है, उसको आपको चिपकाना है, ठीक ना। तो चलिए इधर आइए। क्या है चिपकाइए, सही है जी? यस सर। ठीक है, आ लीजिए। क्या है, क्या मिला है आपको? यस पति। देखिए बृहस्पति कहाँ है, ठीक है इसका? यस सर। कौन लाइन पर है? बीच में सर। सही है जी। यस सर। कौन लाइन इस पे है? यस सर। इस पर सही नहीं? सही है सर। इस पर आएगा ना? यस। इस पर आएगा? यस सर। ये तो सब पर आएगा। चलिए मंगल, ठीक है। चलिए रातो आप आइए। वहाँ सही है जी? यस सर। वरुण है ना? यस सर। सबसे अंतिम में। चलिए यहाँ है ना, चलिए दूसरा केस को ठीक कर लीजिए। सही है इसका? यस सर। चलिए आइए, घर भी है, वो कहाँ पे है उसको लगाइए, कहाँ लगा रहे? सही है जी।
चलिए कौन लगाएगा? जय सही है ना? चलिए आइए सही है यस सर। चलिए ठीक है। चलिए सही है। आप क्या आएगा? शुद्ध गला है ना, उसको लगाइए। सही है जी। ठीक चलिए एक क्वांटी बच गया। चलिए सब सही करिए। ठीक है चलिए इसका भी सही है। चलिए ताली बजा दीजिए। अब जो है आइए, जो आपको आठ ग्रह है ना और एक शुद्ध ग्रह है, सभी को आइए इसको आप जो है चिपकाइए। तो चलिए एक लड़का आइए इसको मदद करिए, गोंद देते जाइए, ऐसे आते जाइए। आपको सूर्य के क्रमबद्ध जो ग्रह है उसको स्थापित कर दिया गया है ना। अब इसका हम विस्तृत रूप से आपको बता दे रहे हैं, अपने कॉपी पर भी नोट करते जाइए। देखिए बैठ जाइए राजेश। अब जो है सूर्य, सूर्य का सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। कौन ग्रह है? बुध ग्रह है। कि बुध ग्रह जो है चक्कर लगाता, किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। कितना दिन में लगाता है? 88 दिन। कितना दिन में? 88 दिन। और इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं। बुध के बाद आपका शुक्र, दूसरा ग्रह कौन है उसके बाद? शुक्र है ना। शुक्र को हम लोग चमकीला ग्रह भी कर, क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह। शुक्र के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं। सूर्य के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है ना। उसके बाद सूर्य के बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? अपना घर है। पृथ्वी क्या है? अपना घर है। उसको पढ़ना भी हम लोग को विस्तार पूर्वक से। तो पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाता है। कितना दिन में लगाता है? 365 दिन। मतलब एक साल में एक साल। तो पृथ्वी में जो गति होता है दो तरह, कई तरह के दो। एक जो है आपको अपने अक्ष पर ही घूमता और एक है कि परिक्रमा भी करता है ना। आप लोग जग में परिक्रमा करते हैं ना, करते हैं तो भगवान के चारों तरफ घूमते हैं। उसी ढंग से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर तो घूमता ही और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते रहता है,
उससे क्या होता है, एक से दिन और रात क्या होता है, दिन और रात। अब जो है पृथ्वी के पास भी एक जो है अपना उपग्रह, पृथ्वी के पास भी एक उपग्रह है ना, कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा है ना, चंद्रमा है। अब देखिए पृथ्वी के बाद आपको मंगल ग्रह, पृथ्वी के बाद है मंगल ग्रह। ये कितना दिन में आपको परिक्रमा करता है, 687 दिन। कितना दिन में, 687 दिन में। इसका क्या उपग्रह है, दो उपग्रह। कितना उपग्रह है, दो है। मंगल के बाद आपका क्षुद्र ग्रह, मंगल के बाद, मंगल और बृहस्पति के बीच में। कोई पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ, बृहस्पति के बीच में। मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं ना। और देखिए मंगल ग्रह जो है के बाद जो क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह के बाद उधर ग्रह है, चार ग्रह उधर है, चार ग्रह तो क्षुद्र ग्रह के इधर जो है आपको देख रहे हैं ना, इधर आपको जैसे हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल। इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। कौन ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और साथ साथ ठोस अवस्था में है ना। और क्षुद्र ग्रह को उधर चार ग्रह है आपको, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, बुध हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग बाह्य ग्रह है ना, और गैसीय अवस्था में। अब देखिए बृहस्पति जो है सूर्य का चक्कर लगाता है कितना दिन, 12 साल। आप लोग का उम्र हुआ है 12 साल है ना, 12-13 साल हुआ होगा, कोई तो 14 साल भी हुआ होगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना साल लग जाता है, 12 साल। इसका भी उपग्रह है बृहस्पति का, सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति का, सबसे ज्यादा उपग्रह है। देखिए आपका जो किताब है जिससे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें जो है आपको 67 उपग्रह दिया गया। कितना दिया गया है, 67। लेकिन अभी जो है इसलिए कि विज्ञान डेली जो है क्या हो रहा है, शोध हो रहा है, तो उसमें आपको है बृहस्पति को 79 ग्रह। कितना है, 79 ग्रह है ना। और उसके बाद जो है आपको शनि है, शनि जो है, शनि कितना दिन में चक्कर लगाता है, 29 साल। एक चक्कर लगाने में कितना लग जाता है, 29 साल है ना। अब देखिए इसका भी आपका आपका किताब में दिया है 62 दिया। कितना दिया है, 62। कितना दिया है, 62। और उसके बाद अभी जो है आपको 82 हो गया, 82। लेकिन आपका किताब में कितना है, 62। उसके बाद है आपका अरुण, अरुण कितना साल में लगाता है, 84 साल। मतलब अभी हमारा भी 84 साल नहीं हुआ है, हो सकता है कि हम 84 साल जिंदा रहे कि नहीं रहे है ना। एक आपको बताइए 84 साल में एक चक्कर लगाता है, और इसका उपग्रहों की संख्या कितना है, 27। उपग्रह की संख्या कितना है, 27। उसके बाद है वरुण, सबसे आपका कुल ग्रह है ना वरुण। अब वरुण के पास भी आपको कितना उपग्रह है, 14। कितना है, 14। और इसका वरुण को सूरज के चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, 365 दिन नहीं, 365 दिन में पृथ्वी घूमता दिन में, मतलब एक साल। अरी जो है वरुण जो है 365 साल। अब उसको 365 साल को आप जो है दिन में निकालना होगा तो गुना कर दीजिए कितना दिन उसका हो गया, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा। अब बताइए कि वरुण जो है एक चक्कर लगाएगा तो हम लोग को कई पीढ़ी गुजर जाएगा। बताए कि जैसे हम लोग का एक परिवार है तो परिवार में दादा होते हैं, पिताजी होते हैं, माता होते हैं, भाई बहन, तब एक परिवार बनते हैं। उसी ढंग से सौरमंडल का ये सब ग्रह मिलाकर एक सौरमंडल का क्या है, परिवार है। अब बताइए इस जो सौरमंडल का जो परिवार है ये वरुण ग्रह है, हम लोग का एक दो पीढ़ी गुजर जाएगा तब जाकर सूर्य का एक चक्कर लगाएगा है ना।
तो आज हम लोग इस गतिविधि से खेल खेल में आपको सौर मंडल का सैर किए आज इतने रहेगा। आगे फिर हमको पढ़ना है कि पृथ्वी अपना घर है तो कैसे है, फिर आपको उसमें पढ़ना है कि आपको राशि कितने हैं, नक्षत्र जो है जब आपको चंद्रमा जो है वो चक्कर लगाता है ना, इसका पृथ्वी का होता है, चंद्रमा उपग्रह जो है ना वो पृथ्वी का जब चक्कर लगाता है तो उसको उस दौरान वो सब जो है कि नक्षत्र से उसको गुजरना होता है। एक नक्षत्र को उसको पार करने में 14 दिन का समय लगता है, कितना लगता है 14 है ना, उसी से हम लोग पक्ष करते हैं। और जो उसके बाद फिर पढ़ना है विस्तार से, तो आज जो है इतने हम लोग समाप्त करते हैं, है ना।